नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज। अखिल भारत हिंदू महासभा ने राजधानी में की बैठक और बैठक का उद्देश्य था 20 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन पर भारी संख्या में अयोध्या जाने का। पर अयोध्या क्यों जा रहे भारी संख्या में, ये जाना हमारे चैनल हेड ने प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी से। नजर डालते इस खास खबर पर। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं राजधानी के दसौली कुर्सी रोड पर, जहां आप देख रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा के शिविर कैंप कार्यालय में जो बैठक चल रही है जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की। आइए जानते हैं उनका उद्देश्य क्या है इस बैठक का और किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो विगत 105 वर्षों पूर्व पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी, आज उस पर तेजी से प्रभु श्री राम की अनुकंपा से गति आ रही है। यह भी एक सौभाग्य है या एक इशारा है कि जब श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा ने वो केस 1948 से लड़ते लड़ते जब जीता 2019 में, तो ऐसी कुछ अनुकंपा होती प्रतीत हुई कि अखिल भारत हिंदू महासभा उसके बाद तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गई है। इसका कारण है कि प्रभु श्री राम भी जानते हैं कि उनके अस्तित्व की लड़ाई इन्होंने लड़ी, जो हकदार थे उनको अब समाज में लाने की आवश्यकता है। जिन्होंने लड़ाई को अपने नाम पे ले लिया, लड़े नहीं लेकिन ले लिया आंदोलन बनाकर और ये कहा कि ये लड़ाई मेरी थी, वो भी देखें इस चीज को कि असली लोग कौन हैं जो हिंदुओं की हकदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 तारीख को हमारा प्रदेश अधिवेशन अयोध्या जी में प्रस्तावित हुआ है, वहीं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होगी। उसकी तैयारियों पर अभी हमारे माननीय महामंत्री जी और अध्यक्ष जी पूरा विस्तार से बताएंगे आपको। उसके पूर्व सबका पहले परिचय हो जाए क्योंकि कई लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही हूँ, धन्यवाद। और मैं महानगर अध्यक्ष महिला सभा के अध्यक्ष हूँ। मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ और अयोध्या से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। प्रदेश प्रवक्ता मैं अयोध्या से, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम रंजन सिंह है, लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और लखनऊ से जिला उपाध्यक्ष के पद पर। सभी का स्वागत हो जाए। Thank you.
हम आप सबों के सामने चीफ मिनिस्टर को माला अर्पण लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि आपको विगत है कि अखिल भारत हिंदू महासभा कोई नया नाम नहीं है किसी के लिए, एक विचारधारा है और ये विचारधारा 1905 में विधिवत रूप से, हालांकि 1886 से चल रही थी, लेकिन 1915 में कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा वैधानिक तौर पर समाज में रखी गई थी और उस समय अखिल भारतीय हिंदू महासभा का उदय हुआ था, जो बाद में चलकर अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से आज तक जाना जाता रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए हमेशा से आवाज उठाता चला रहा। मानव कल्याण, विश्व शांति के लिए हिंदू संस्कृति का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं विश्व शांति की या मानव कल्याण की, तो आप अध्ययन करिए पिछले 500 सालों से लेकर के 1000 सालों के बीच, आप पाएंगे 1400-1500 साल पहले अपनी एक व्यवस्था को पैदा करना शुरू किया, उसका लाभ लिया। किसका लाभ लिया कि अगर कोई शांति प्रिय व्यक्ति है और वो आपको खाना खिलाता है, वो आपको रहने का देता है, तो मीटिंग कर अवगत कराते हैं कि क्या कार्य में आगे बढ़ना है। और वैसे तो हम सब इन्हीं से सीखेंगे कि आगे क्या काम करना है। और मैं चाहूँगी सर आप ही कुछ हम लोग को निर्देश दीजिए। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी आज जो लोग आए हैं, आगे मार्गदर्शन आप ही बताएंगे, उसी के नक्शे कदम पे हम लोग को यहाँ आए हुए तमाम पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की बैठक यहाँ जो बुलाई गई है, मुख्यतः 20 दिसंबर को अयोध्या में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति बैठक को लेकर है। उन मुद्दों पर क्या तैयारियां हैं? कैसे अब मैं महामंत्री आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। इसी के साथ जो 20 दिसंबर को अयोध्या का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर के आज की बैठक आहूति गई थी। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अधिवेशन है, 11 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे से हमारे प्रदेश का अधिवेशन शुरू होगा जो 3 बजे तक चलेगा। उसी में जितने भी जिला अध्यक्ष हमारे हैं या प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, सबको एक ही अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे, लेकिन इतनी भी अधिक संख्या ना हो कि कोरोना का प्रोटोकॉल जो है वो भूल जाए। इसलिए अधिकांशतः सबसे यही अनुरोध है कि अपने पदाधिकारियों की टीम के साथ कम से कम लोग पहुंचे। बहुत ज्यादा की संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 100 की गाइडलाइन है, लेकिन 100 की जगह हम 300 हो सकते हैं, लेकिन 1000 नहीं हो सकते। कार्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिससे कि भीड़ जो है एकत्रित ऐसा है। आज की बैठक जो थी वो मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों की थी और 20 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति का अधिवेशन है और प्रदेश कार्य समिति का अधिवेशन है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रातः काल में सुबह 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, अधिवेशन होगा, और 1 बजे के बाद से और 3 बजे तक हमारा प्रदेश का अधिवेशन होगा। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से अब भारी संख्या में जाने वाले हैं जी, उसके वहाँ पर क्या चीजें, विषय क्या रहेगा इस अधिवेशन का? मुख्य प्रदेश का अधिवेशन है, जिस अधिवेशन के तहत जो भी केंद्र से शक्तियाँ मुझे अर्जित करनी है उसी के तहत हम लोग
सारे हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर हमको जो मनोनयन प्रक्रिया के तहत मुझे मनोनीत किया गया था, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मुझे चुन करके वहाँ से जिला अध्यक्ष का दायित्व 2 साल का दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व 2 साल के लिए दिया जाएगा। देते हुए बताइए कि आज की बैठक का क्या उद्देश्य रहा और किस तरीके से भारी संख्या में महिलाएं अयोध्या पहुंची? मैं बबीता यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, और ये मीटिंग हमारी जो बैठी थी ये 20 तारीख अयोध्या में जो अधिवेशन होना है उसी के लिए मीटिंग हम लोग यहाँ पर किए। क्या यानी कि खास रहेगा महिलाओं के उसमें, क्या मेन विषय जो 20 तारीख को अयोध्या में महिलाएं पहुंचेंगी, तरफ से क्या खास रहेगा? हमारी तरफ से ये रहेगा कि अभी तो हम लोग महिलाएं सारी वहाँ एकत्रित होंगी और सारी जितनी भी जिला अध्यक्ष हमारे हमने नियुक्त किया है वो सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे महिला शक्ति के कारण को आगे बढ़ाने के लिए। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज की बैठक में क्या उद्देश्य रहा बैठक का, और जब आप लोग अयोध्या पहुंचेंगे कितने बल के साथ में महिलाएं पहुंचने वाली हैं? मैं प्रदेश महामंत्री आरती यादव। आज की जो यहां पे बैठक हुई है वो अयोध्या की 20 दिसंबर अधिवेशन के रूप में हुआ। हम लोग पूरी तरह से चाह रहे हैं कि वहाँ पे भारी से भारी संख्या में महिलाओं का जो संगठन है वहाँ लेकर हम लोग पहुंचेंगे। परिचय देते हुए बताइए जो राष्ट्रीय अधिवेशन आपके द्वारा यहाँ पार्टी के द्वारा जो अयोध्या पहुंचने वाला है, भारी संख्या में आपके पार्टी कार्यकर्ता दिखने वाले, क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में और वहाँ जो 20 तारीख को विशेष हो रहा है अयोध्या में क्या रहेगा? 20 दिसंबर को अयोध्या में राष्ट्रीय कार्य समिति की प्रस्तावित बैठक है और दूसरे सेशन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और उसी सिलसिले में आज यहाँ एक बैठक थी प्रदेश कार्यालय में, तैयारियों की समीक्षा हो रही थी, कैसे तैयारी करनी है, क्या कार्यक्रम है और कैसे उसको सफल बनाना है, उसी विषय पे हम लोग एक मंथन कर रहे थे आज। तो यहाँ तमाम प्रदेश जिलों से जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी हैं, आपस में चर्चा राय मशवरा हुई कैसे उस कार्यक्रम को सफल बना। अभी फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा और इतनी भीड़ लेके चलना भी थोड़ा सा प्रशासन के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई दर्शन करना चाहेगा तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, भाई दर्शन करना सबका अधिकार है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी पार्टी स्तर पर कोई इस तरह का निर्णय नहीं कि इतनी संख्या में लेके एक साथ दर्शन किया जाए। 20 तारीख को कार्यक्रम में जाहिर सी बात है लोग रुकेंगे, 21 को सुबह अपना दर्शन करें, लेकिन 20 तारीख को भीड़ काफ़ी होगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अयोध्या में जब आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हम अयोध्या से ही हैं, हम नहीं रोक नहीं पाएगा, तो हम अव्यवस्था भी नहीं करना है कि गलत मैसेज ना शासन में जाए कि हम अव्यवस्था फैला रहे हैं। बाकी जिसको दर्शन करना तो दर्शन के लिए तो आप स्वच्छंद हैं, जाइए दर्शन करिए, ना उसके लिए कोई मनाइए शासन स्तर से ना हमारी तरफ से कोई। साथ में बताइए जो राष्ट्रीय अधिवेशन आपकी पार्टी के द्वारा आप लोग 20 तारीख में भारी संख्या में पहुंचने वाले, क्या कहेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, क्या आह्वान करना चाहेंगे पार्टी की ओर से? मैं सिद्धार्थ दुबे, प्रदेश महासचिव अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं अपने कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान हम लोग करेंगे और पूरी सौहार्द पूर्वक उस रैली को संपन्न बनाएंगे। जी, तो इतनी भारी संख्या में अयोध्या में कूच करने का क्या कोई राम मंदिर को लेकर के या वहाँ पर कुछ ऐसे? राम मंदिर का मुद्दा हमारी पार्टी ने खड़ा किया, हमारी पार्टी उसकी पक्षकार रही, उस पर हमने विजय प्राप्त की है और आगे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन भी रहा है, बिल्कुल दर्शन करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में जो आज बैठक जिला अध्यक्षों की हो रही थी, किस तरह से वे 20 तारीख को जाने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में और कितनी भारी संख्या में पहुंचेंगे जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जिले के हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आइए उनके परिचय से शुरुआत करते हैं, जानते हैं। अपने परिचय के साथ में बताइए किस तरीके से जो राष्ट्रीय अधिवेशन आपका हो रहा है, भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं कानपुर जिला अध्यक्ष सुधाकर गुप्ता नाम है मेरा, मैं 6 साल लोगों के साथ पहुंचा हूं। जी, तो 20 तारीख को पार्टी कार्यकर्ताओं से यहां से आप शुरुआत करेंगे राजधानी से? हाँ।
आपका क्या परिचय? मैं विधि प्रकोष्ठ का शशिकांत शुक्ला एडवोकेट जिला अध्यक्ष लखनऊ जी। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अध्यक्ष पहुंचने का काम करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ब्रजेश शुक्ला जिला अध्यक्ष लखनऊ। लखनऊ से कोरोना को देखते हुए जो डिस्टर्ब ना हो हम लोगों की व्यवस्थाएं, उतनी संख्या में अधिकतम ले चलने का प्रयास रहेगा, जिससे शासन में कोई हम लोगों को परेशानी ना हो। चलने को तो हम हजारों की संख्या में चल सकते हैं। कहाँ के जिलाध्यक्ष हैं? मैं लखनऊ जिलाध्यक्ष ब्रजेश शुक्ला। आप क्या कहेंगे? मैं शिवेंद्र मिश्रा अम्बेडकर नगर जिलाध्यक्ष। कम से कम 50-60 लोगों के साथ मैं पहुंचूंगा। भारी संख्या में जो 20 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, अधिक से अधिक संख्या में। आप क्या कहेंगे? जी सर, मेरा ये कहना है कि हम भी जो है कोशिश पूरी पूरी लगे हुए हैं। हम कन्नौज से बिलोंग करते हैं, वहीं के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जी सर। तो वहाँ पर जो है हमारा पूरा प्रयास रहेगा, कम से ज़्यादा लोग एकत्रित करके वहाँ पर उपस्थित हों। जी महोदय, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो आपका 20 तारीख का राष्ट्रीय अधिवेशन है, भारी संख्या में सभी जिलाध्यक्षों ने हुंकार भर दी, आप क्या कहेंगे? मैं मुकेश मणि मिश्र, महानगर अध्यक्ष लखनऊ। हमारा प्रयास ये होगा कि कोरोना काल तो है ही, फिर भी अपने अखिल भारत हिंदू महासभा को सफल बनाने के लिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के अयोध्या के कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने लोगों को लेकर के पहुंचूंगा। तो पहली बार सभी लोग, जैसा कि अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पहली बार आप लोग अगर अयोध्या जा रहे हैं, जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तो किस तरह की खुशी अंदर है? क्योंकि आप लोगों की प्रथम जो हिंदू पार्टी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं? मैं इस पे बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा के अथक प्रयास से ये संभव हुआ 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये फैसला आया, और अब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। इस खुशी का शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपार खुशी है, अपार खुशी है। और इन खुशियों को मैं अपने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, हर जगह जहां रहता हूं वहां। ये थे हमारे साथ में सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने हुंकार भरी कि जिस तरह से 20 तारीख का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है पार्टी का, उसमें भारी हुंकार भर कर सभी पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे। माता की जय, जय हिंदू राम, जय हिंदू राम, जय हिंदू राम, जय हिंदू राम। अखिल भारत हिंदू महासभा जिंदाबाद, अखिल भारत हिंदू महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आपने देखा, हमने बात किया प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी और अन्य संगठन के पदाधिकारियों से, सभी संगठन के जिला अध्यक्षों से, मंडल प्रभारी एवं मंडल अध्यक्षों से, कि किस तरह से वह जो 20 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन में भारी संख्या में पहुंचने वाले अयोध्या, क्या उद्देश्य है उनका आखिर वहां पहुंचकर बल दिखाने का। हमने उनसे सवाल भी किए कि आखिरकार क्या पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे, तो उन्होंने बेपाकी से कहा कि हिंदू पार्टी जो उनकी प्रथम दृष्टिया थी कि हिंदू राष्ट्र बने और राम मंदिर बनाने वाली पहली पार्टी किस तरीके से अयोध्या पहुंच रही है 20 तारीख के राष्ट्रीय अधिवेशन में। देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार हिंदू महासभा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, इतने भारी बल के साथ में आखिर क्यों पहुंच रही है। कैमरामैन मोहित के साथ में अहमद, हंगामा टाइम्स लखनऊ से।